खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले वॉइस ऑफ राइट्स में आ रही एक बड़ी खबर। सोनकक्ष में एक दिवसीय कार्यक्रम के बाद सोनकक्ष दिवंबर जैन मंदिर में विराजमान पीयूष सागर महाराज का धूमधाम से मंगल विहार हुआ। मंगल विहार के पूर्व गुरुदेव ने मंदिर में विधान अनुष्ठान करवाया, जिसमें समाज के महिला पुरुष शामिल हुए। वहीं मंदिर में एक अजब संयोग भी हुआ, 14 वर्ष के बाद गुरु व शिष्य का आत्मीय मिलन हुआ। गुरु से मिलकर शिष्य के आंखों में आंसू झलक उठे। गुरु से मिलकर शिष्य के जब आंसू झलके तो इस दृश्य को देखकर सारे लोग भी अपने आंख के आंसू को ना रोक पाए। अंतर्मन महोत्सव के लिए मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम में आने के लिए स्वीकृति भी ली। पुष्पगिरी का तीर्थ स्थान सोनकच्छ का हृदय स्थल है। अंतर्मना स्वर्णिम जयंती महोत्सव यहाँ मना रहे हैं हमारे गुरुदेव पुष्पधन सागर जी महाराज और प्रसन्न सागर जी महाराज, जिनका मार्गदर्शन इस पूरे अंतर्मना महोत्सव में मिलेगा। यहाँ देश विदेश से तमाम सारे अतिथि आ रहे हैं, तमाम विदेशी लोग जो इस धर्म को जानने लगे हैं, मानने लगे हैं, उसको फॉलो करने लगे हैं, वो लोग भी आएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार भी यहाँ आएगी, तमाम सारे वो अतिथि पूरे देश से कोने कोने से आएंगे। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारी कर्मस्थली जो सोनकच्छ है, वहाँ कर्म भी है, धर्म भी है और विश्व के नक्शे पे पुष्पगिरी तीर्थ आ चुका है। ये हमारे लिए गौरव की बात है।